ओ हेलो, आप लोग योगा किस पे करते हैं? ऑन द मैट ना। आज का विषय है योगा ऑफ द मैट। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सत्य गोपीनाथ दास, तमसोमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इंटरनेशनल योगा डे है, सही से बोलो तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, सारे विश्व में लोग आज के दिन योगाभ्यास को सेलिब्रेट करते हैं। एंशियंट या प्राचीन भारतीय कल्चर का ये बहुत बड़ा योगदान है। रोम, ग्रीस, कार्थेज, कितने सारे पुराने सिविलाइजेशन आए और गए, लेकिन भारत के कॉन्ट्रीब्यूशंस सभी देशों के लोगों के लिए सदा के लिए बेनिफिट्स देते आ रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं योग क्या है। आजकल योग के नाम पे क्या क्या चल रहा है, बियर योगा, गोट योगा, और न जाने फ्यूचर में और क्या क्या प्रकार की योगा आ जाएंगे। योगा का सीधा सीधा अर्थ होता है कि प्लस या किसी से जुड़ना, आत्मा का हृदय में स्थित परमात्मा के साथ जुड़ना, इसी को योग कहते हैं। आत्मा परमात्मा में विलीन होकर एक नहीं होता, बट उनका एसोसिएट बन के रहता है। जिसको आज मेजॉरिटी पब्लिक योग कहती है, वो तो वास्तविक रूप में पतंजलि ऋषि का बताया हुआ हठ योग है या अष्टांग योग है। अष्ट यानी आठ, अंग यानी पार्ट्स। पहला अंग है यम, मीन्स जो नहीं करना चाहिए, डोंट्स। जैसे कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी के साथ हिंसा मत करो, वीर को वेश न करो, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो। दूसरा अंग है नियम, या ये करो, द डूज। इसमें चार चीज हैं: शौच, शरीर के अंदर और बाहर की स्वच्छता का पालन करना, स्वाध्याय, नियमित रूप से वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, स्टडी करना, संतोष, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना, कंटेंट रहना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति लेना। तीसरा अंग है आसन, जिसमें हम अपने शरीर को विविध आसनों से डिसिप्लिन कर सकते हैं। इसमें आपके सारे आसन आ जाते हैं, सुखासन, शवासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन इत्यादि। चौथा अंग है प्राणायाम, या अपने अंदर की प्राणवायु को नियमित करना। पांचवा अंग है प्रत्याहार, या अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर करना, जैसे हमारे सेंसेस कोई वस्तु से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसे रिस्ट्रेन करना। छठा अंग है धारणा, और सातवां है ध्यान। मन से मेडिटेट करना धारणा है, और उसको कॉन्सेंट्रेट करना ध्यान कहलाता है। आठवां अंग है समाधि, या कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। मेजॉरिटी लोग इसमें आसन को ही योग मान लेते हैं, लेकिन योगा इज मच मोर देन जस्ट आसनास, एक्सरसाइज एंड जिम्नास्टिक्स। अब तक हमने योग ऑन द मैट डिस्कस किया है, अब देखते हैं योगा ऑफ द मैट। भगवद गीता के अनुसार अर्जुन ने हठ योग करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो तो एक मिलिट्री कमांडर था। पूरे महाभारत में कहीं पर भी ये डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा कि अर्जुन ने भी हठ योग किया था। योग का मतलब है, जैसे कि पहले हमने देखा था, परमात्मा के साथ यूनियन, रिमेंबर द प्लस। इस योग को कैसे किया जाए, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण अपने गीता में छठे अध्याय में कहते हैं, ऑफ ऑल द योगी इज द वन विद ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी, जो श्रद्धावान है, जो निरंतर मेरा भजन करता है, हु रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू मी, दैट डिवोटी इज द मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी इन योगा एंड इज द हाइस्ट ऑफ ऑल, दैट इज माई ओपिनियन। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा योग करने वाला सर्वश्रेष्ठ योगी है। सारांश में कहूँ तो, अपने शरीर को ईश्वर का मंदिर समझकर उसमें परमात्मा श्री कृष्ण को रियलाइज करना ही योगा ऑफ द मैट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ते हैं अगले वीडियो में। विश यू अ वर्ल्ड हैप्पी योग डे।